Hi, मैं हूँ सोनाली बेंद्रे. This is India's best dancer. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more performances. So judges, एक शो ने फिलहाल अपनी एक झलक से ही पूरे इंडिया में धूम मचा दी है. उस शो का नाम है काव्या, जो बहुत जल्द सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आने वाला है. लेकिन आज उस शो के एक्टर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. So please welcome Team Kavya se Sumbul Taukeer Khan as Kavya, Anuj Sulere as Shubham, and Mishkat Varma as Adhiraj. बहुत-बहुत स्वागत है आप तीनों का India's Best Dancer में. कैसा लग रहा है India's Best Dancer में आकर? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ऐसे मुझे अभी तक धुक-धुक-धुक-धुक फील हो रहा है. मैं शो देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है शो. एंड एक और रीज़न है बहुत ज़्यादा खुश होने का, बिकॉज फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. हाँ जी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. जो हमारा शो है काव्या, एक जज्बा एक जुनून, वो बड़ी ही खूबसूरत सी स्टोरी है. एक मिडिल क्लास फैमिली की एक साधारण सी लड़की है जो अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती. उसके साथ एक हादसा होता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि इस देश में एक कॉमन मैन जो होता है उनकी लाइफ में कितने दरवाजे उनके लिए बंद रहते हैं. तब वो ये डिसाइड करती है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी और वो जो सारे दरवाजे बंद रहते हैं मैं वो सारे दरवाजे उनके लिए खोल दूंगी, उनकी जितनी हो सके की हेल्प करूंगी. क्या बात है. इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं और गीता माँ आप ही के शो के बारे में डिस्कस कर रहे थे. गीता माँ ने वो प्रोमो भी देखा है. हाँ, जहाँ पे आप कहती है कि हाय मेरा नाम काव्या बंसल है और मैं हंसी खुशी चुड़ैल कहलाती हूँ. हाँ जी. इस हाँ. शो पे इंडियाज़ बेस्ट डांसर की हंसी खुशी चुड़ैल मैं भी कहलाती हूँ. छोटा ताला हो जाए फॉर द टीम ऑफ काव्या. हमें पूरा विश्वास था कि यू नो आप फिनाले तक रहेंगी, क्योंकि आपने ऐसे यादगार परफॉर्मेंसेस दी है जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ. हैव अ लुक. जो मेरा लाइफ का सबसे पहला ऑडिशन था इंडिया बेस्ट डांसर में, तो तब मैंने ओपन स्टाइल करके दिखाया था जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा जजेस को अच्छा लगा. बड़े कलाकारों से खड़े रह के बात करना चाहिए. इस शहर में इस तरीके को, इस अंदाज को मेरा सर. बेस्ट 12 में जाना कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? मेरे लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इससे मैं अपनी मम्मी की लाइफ अच्छी कर पाऊँ और अपनी सिस्टर को पढ़ा लिखा पाऊँ. मेरा एक सपना था कि बहनों को, अपनी मम्मी को अच्छी लाइफ दूँ. मैम ने जब पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना पूछ रहा है. God bless you. पहली बार मेरी फैमिली आई थी जब शो में ना, तो उस दिन इतनी डरी हुई थी क्योंकि मेरी मम्मी पहली बार मेरा डांस लाइव देखती. प्राउड से खड़ी थी कि मेरी बेटी ने इतना कुछ करा है. तो मुझे गर्व है कि मेरी बेटी अंजलि है. मैं बहुत खुश होती कि मेरी बेटा नहीं है पर तीन बेटी है, तीन लड़कों से बढ़कर है मेरी बेटियाँ. मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चों पे. इसीलिए कहती हूँ अंजलि को शेर बच्चा है. जितने सारे लड़के यहाँ हैं उन पे तुम डेढ़ गुना भारी पड़ चुकी हो. क्या बात है. इंडिया बेस्ट डांसर आने से पहले मैं कभी बचपन नहीं जिया था. बचपन स्पेशल में मैंने बचपन जिया. मैंने अपना जगह जगह घूमी, पूरे मुंबई घूमी. ये एक ऐसा बॉन्ड बना है मेरा आईबीडी में कंटेस्टेंट, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्तों के साथ, जजेस के साथ, कि ये कभी ख़त्म नहीं होएगा. मेरे को ये शो जीतना है. हर एक चोट से, हर एक दीवार से लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी और बहनों को कभी भी वो दिन नहीं दिखाना चाहती जो आईबीडी से पहले मेरी मम्मी बहनों के दिन थे. वाओ, व्हाट अ जर्नी. मैम सच्ची बोले बहुत पहले ही हार चुके थे. सच बोले तो हार गए थे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतने आगे तक बढ़ पाएंगे. बचपन में इतने अकेले हो गए थे काम कर करके कि अकेले अब सब चीज़ें ऐसा लग रहा था कि कर लूँगी, अब हो जाएगा. पर इस शो में आके आप तीनों ने मुझे इतना प्यार दिया ना कि
अब ऐसा लगता है कि कुछ भी पहाड़ आ जाए, कुछ भी हो, मैं कर लूंगी मैम, सच में। अंजलि, जो स्ट्रेंथ आप में है ना, कमाल की है। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि आपको जो खोया हुआ बचपन था वो थोड़ा सा यहाँ पे आके आपको मिल गया, क्योंकि बचपन किसी का नहीं छीनना चाहिए। करेक्ट। आपकी जर्नी देख पाऊंगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं भगवान से कहूंगी कि कभी अगर अंजलि को जरूरत हो तो मुझे वहां पे ले आना उस वक्त। गॉड ब्लेस यू, हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के लिए इसी तरह चट्टान बने रहना। फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, और हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स, दुआएं आपके साथ रहे। आई लव यू। थोड़ी देर के लिए आइए, आइए प्लीज आइए। मैं सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, एक लड़की का जिसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे उन प्रॉब्लम से आगे बढ़ती है। लेकिन आप रियल लाइफ काव्य हो। वो कहते हैं कि जो हमारे शो में भी है कि जहाँ मकसद बड़े होते हैं ना, वहाँ इम्तिहान हर पल देने होते हैं। क्या बात है। वाह। और आपने वो सारे इम्तिहान इतने खूबसूरती से पास किए हैं। आपका जो जज्बा है, आपका जो जुनून है, ये आई थिंक सिर्फ मेरे लिए या सिर्फ काव्या के लिए नहीं, वो हर एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि लाइफ में कहीं पे भी कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। हम हमेशा उन प्रॉब्लम्स को फेस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। माई पीपल, दोस्त, दगड़िया, मुझे इंडिया बेस्ट डांसर का विनर बनाने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनीले वैप, और मुझे बहुत सारा वोट करिए प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बात है यार। और याद रखिए, वोटिंग लाइन्स खुली हुई है आज रात 8 बजे से 26 सितंबर रात 12 बजे तक। मैं काव्या की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच कि आप इंडिया बेस्ट डांसर में आए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग शो काव्या। सो हमारा शो काव्या एक जज्बा एक जुनून 25 सितंबर यानी कि कल से चालू हो रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर शाम को 7:30 बजे मंडे टू फ्राइडे। सो प्लीज सब लोग देखना प्लीज। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका ये शो सुपर डुपर हिट रहे एंड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे और नंबर वन शो बन जाए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.